पुरानी पेंशन बहाली के लिए 25 दिसंबर को शाहजहानी पार्क भोपाल में होगी ललकार। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी ने मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों से अपील किया है कि अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने हेतु पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपने सभी काम एक दिन के लिए छोड़कर 25 दिसंबर 2022 को 11 बजे अवश्य शाहजहानी पार्क भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से अधिक संख्या बल भोपाल जुटने जा रही है। मातृशक्ति बहनें भी अपने अपने घरेलू काम छोड़कर शाहजहानी पार्क पहुंच रही हैं। श्री तिवारी ने कहा कि 3 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली हेतु हमारा आंदोलन जारी है। 2 बार भोपाल और बहुत बार प्रदेश के सभी जिलों से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, 5 लाख पोस्टकार्ड, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष को पेंशन अधिकार सम्मेलन, 2 वर्षों से सभी विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व सभी दलों के विधायक के घर घर जाकर पुरानी पेंशन बहाली हेतु विधानसभा में संकल्प पारित करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। विधानसभा में सैकड़ों प्रश्न लगाए गए। मध्य प्रदेश के सैकड़ों विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरानी पेंशन बहाली हेतु पत्र लिखा, विधानसभा में संकल्प पारित करने हेतु भी आया, परंतु मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगे को अनसुना कर रही है। जबकि उधर राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दिया है। पश्चिमी बंगाल पूर्व से ही दे रहा है। हिमाचल प्रदेश से भी बहाल करने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए 25 दिसंबर भोपाल शाहजहानी पार्क भरकर पुरानी पेंशन बहाली हेतु एकजुटता से लोकतांत्रिक आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश में एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 5 लाख से ऊपर है। साथियों से अपील है कि सभी काम छोड़ दें, सबसे पहले शाहजहानी पार्क भोपाल पहुंचे। 25 दिसंबर को सरकार को एकजुटता के साथ अपनी ताकत का एहसास करा देना है। श्री तिवारी ने कहा कि न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के इस आंदोलन में बहुत से अधिकारी कर्मचारियों का संघों का समर्थन प्राप्त है। सर नाम बताइए। सर सत्येंद्र सिंह तिवारी। तिवारी जी, क्या समस्या है जो मीडिया को बुलाए? 25 तारीख को शाहजहानी पार्क में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 5 लाख एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर के और सम्मेलन करने जा रहे हैं। 2005 से मध्य प्रदेश सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे जो पूर्व से पेंशन मिली आ रही थी उसको बंद कर दिया और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू किया। न्यू पेंशन स्कीम में भारी विसंगतियाँ, उसमें रिटायरमेंट होने पर 500 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। तो हम लोगों ने 25 तारीख को मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को शाहजहानी पार्क के मैदान से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह नेताओं को 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन बहाल है, चल रही है, क्या कर्मचारियों का बुढ़ापा नहीं है? आप आखिर कर्मचारियों को पेंशन देने में मध्य प्रदेश सरकार को कौन सा कष्ट हो रहा है, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, सब सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, सभी सरकारें जो गैर भाजपा शासित सरकारें वो पुरानी पेंशन दे रही हैं, और फिर पेंशन बहाली करने में क्या दिक्कत है? दूसरी, मध्य प्रदेश में एक बड़ी विकट समस्या है कर्मचारियों की वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाली, क्योंकि यहाँ पे दैनिक वेतनभोगी, शिक्षक कर्मी, तदर्थ व्यवस्थाएं में नियुक्ति हुई, फिर रेगुलर उनको 10-15 साल बाद किया गया, आज उनकी सेवाकालीन गणना आदि से जोड़ी जा रही है, उनको पेंशन में भी नुकसान हुआ। तो पेंशन बहाली हो, मध्य प्रदेश की पेंशन बहाली और वरिष्ठता, प्रथम नियुक्ति ग्रांति की वरिष्ठता को मानते हुए, तो हम लोग मध्य प्रदेश के समस्त एनपीएस कर्मचारियों को आपके चैनल के माध्यम से 25 को शाहजहानी पार्क पहुंचने में अपील करते हैं, आए और मध्य प्रदेश के मुखिया तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव सामने नहीं लड़ेंगे तो मुद्दा हल नहीं होगा। हम लोग का एक ही नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो शाहजहानी पार्क में एक साथ मुलाकात होगा।